नाजरीन, ये सड़क है, इधर से आ रहे हैं हम मदीना से, हमने ले लिया है राइट और इधर आ गए हैं। और ये है हाई कोर्ट की इमारत, आप देख सकते हैं। और ये दौर की ट्रैफिक बहुत मशरूम तरीन इलाका, और इसी के सामने हैं जिलेबी की दुकानें जिसका हम मुशाहिदा करेंगे। तो ये है हाई कोर्ट की इमारत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है जे जे चैनल में। नाजरीन, हम आ गए हैं हैदराबाद के जलेबी बाजार या जलेबी मार्केट या फिर मरकज़ जलेबी पर, जहां पर जलेबी काफ़ी जायके के साथ, रौक के साथ, शौक के साथ खाई जाती है। और यहां पर मुख्तलिफ दुकानों की खतार से लगी हुई है। आइए जानते हैं यहाँ की जलेबी की क्या खास बात है, और यहाँ के दुकानों के लोगों से, ग्राहकों से और दुकान के मालिकिन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जलेबी की खास बात। और नाजरीन, हम ये कोशिश कर रहे हैं ए जे चैनल की तरफ से, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जब हम, मैं और हमारे अजीज दोस्त शरीफ साहब दोनों मदीना से गुजरती, तो सीधा टर्न लेकर, राइट टर्न लेकर हम पहुंचते हाई कोर्ट के पास और जलेबी खाकर जाते। अगर मुखालिफ सिंह से आते तो फिर गाड़ी कहीं दूर रखकर आते और ज़रूर जलेबी खाते। ये सबसे पुरानी पहली दुकान जो जलेबी की है, इस दुकान के मालिक से, और वो यहाँ दुकान को संभालते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस दुकान की तारीख और मुख्तलिफ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जबरनाथ है जी। तो ये दुकान कितनी पुरानी है? ये दुकान हमारे चाचा आए थे 1970 में। अच्छा, हैदराबाद जी। उन्होंने आके हाईकोर्ट 6 नंबर गेट के पास डब्बा था जी जी जी, डब्बे में जलेबी का कारोबार स्टार्ट करे थे। अच्छा, तो वहाँ पे जलेबी, जांगरी और नमक बार 3 आइटम रखते थे जी जी जी। उसके बाद में वो डब्बा छोटा होने के बाद में ये दुकान आ लिए। अच्छा, दुकान लेके समोसे, कचौरी, पापड़ी, नमक बारे, मसाला से, मसाला बड़ा से, बूंदी, दाल मोट, छुड़वा, गांठी, आलू चिप्स, पूरा कारोबार बढ़ा है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब 6 रुपए किलो जलेबी थी जी जी जी, अभी 200 रुपए किलो है। अच्छा अच्छा। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हर कोई रुकता है और अपनी दुकान पर जलेबी खाता है, इस जलेबी की खास बात क्या है? जब से हमारे चाचा जो क्वालिटी रखे है जी, वो अब तक हम मेंटेन करते आ रहे हैं। अच्छा, सेम वही, अभी तक कोई फेरबदल नहीं करे, कोई टेस्ट बरकरार है। यहाँ से जलेबी है सऊदी अरब भी गई, अमेरिका भी गई, बाहर लोग यहाँ से, बहुत लोग मुस्लिम लोग लेके जाते हैं पार्सल। अच्छा, तो यानी इंटरनेशनल लेवल पर आपकी शोहरत है, बैनुल अक्वामी सतह पर अंतर्राष्ट्रीय। वक्त बदला, ज़माना बदला, लेकिन आपका जायका, आपका टेस्ट और आपका जोश और हौसला नहीं बदला। बहुत बहुत शुक्रिया जबरनाथ साहब, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। जलेबी डालने की तरकीब और तैयारी का तरीका आप देख सकते हैं, किस फनकारी और किस आर्टिस्टिक अंदाज में डाल रहे हैं। और ये बहुत ही एक्सपर्ट तो तेल में डाल रहे हैं आप लोग? घी में डालते हैं। अच्छा, ये डालडा घी में डालते हैं। और ये क्या, इधर क्या है? शीरा। अच्छा, शक्कर का शीरा, तो पकने के बाद आप इसमें डालते हैं। अच्छा अच्छा। और जलेबी बिल्कुल मीठी होती है। आपका नाम? देरू। जाप प्रकाश जी, आप बताइए, आपकी दुकान पर देखा हूँ मैं जलेबी मिलती है, इसके अलावा क्या क्या मिलता है? जलेबी रहता, इमरती रहता, कचौरी, समोसा, पापड़ी, काठी, खारा, मिक्सर रहता, नमकीन रहता, चिकोड़ी, काठी, मिक्सर, नमकीन आदि आइटम रहते हमारे पास। ऑर्डर दिए तो आप कौन सा भी आइटम बना के देते हैं? चलिए, ऑर्डर पर आप बनाकर भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, थैंक यू। हमने बताया कि जलेबी की बहुत ही पुरानी दुकान है, मशहूर दुकान है। आइए हम यहाँ के ग्राहक के कस्टमर से बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ जलेबी क्यों खाते हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अदनान। अदनान, आप? मोहम्मद मुकीम। मुकीम और अदनान दोनों से ये सवाल करता हूँ कि आप यहाँ पर रुक कर थोड़ा ब्रेक लिए हैं, वक्फा लिए हैं, उसकी वजह क्या है? ये जलेबी बहुत मशहूर है और टेस्ट अच्छा रहता, खाने में जायका अच्छा रहता, आप अगर सब आकर खा कर देखिए, टेस्ट अच्छा रहता।
आप अच्छा रहता है फ्रेश रहता है, क्या क्या खाते हैं आप? अच्छा अच्छा, अगर गर्मा गर्म जब का जब भी डाल के देते हैं यहाँ पर, यानी फ्रेश भी होती है गर्मा गर्म भी होती है। अच्छा अदनान और समी है, मुकीम मुकीम माफ कीजिए, अदनान और मुकीम आप ये बताइए, कोई नए हैं अगर कोई आकर खाना चाहते हैं हैदराबाद में तो वो कहाँ आकर जलेबी खाएं? हैदराबाद सिटी कॉलेज के पास रोड पे, ये हाईकोर्ट के पीछे बैक साइड में है। अच्छा, यानी हाईकोर्ट का पिछला इलाका है, यहाँ पर आप खा सकते हैं। अच्छा, आपकी मशरूफियत क्या है? मेरा शॉप है, मेरा क्या है, बंगाल स्टोर शॉप है, स्टेशनरी लाड बाजार नहीं नहीं हेरागड्ढा से। आप वहाँ भी रहें? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान और मुकीम मुकीम का, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये भी एक दुकान है और इसके आगे इधर भी एक दुकान है, यानी यहाँ से लेकर कचौरी खा ली जी। नाजरीन जलेबी तैयार होने के बाद शक्कर के शीरे में डाली जा रही है, और बिल्कुल शीर और शक्कर और जलेबी बिल्कुल मीठी तैयार होती है। नाजरीन आप देख सकते हैं ये जलेबी की दुकानें मुसलसल एक कतार में हैं, एक दो तीन चार पांच दुकानें, और अगर हम बिल्कुल पड़ जाएं पल में आएँ तो फिर ये ट्रैफिक देख सकते हैं आप, हाईकोर्ट का इलाका और हाईकोर्ट के ट्रैफिक, बल्कि ये मदीना से आ रही है और मदीना सर्कल से जाएगी इधर पुराने पुल की तरफ या फिर हुसैनी आलम को मुड़ सकती है, तो बिल्कुल हाईकोर्ट के रूबरू है ये हमारी जलेबी की दुकान देख सकते हैं आप, और यह वन वे रास्ता है और पब्लिक यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आती है, अब लोगों का यहाँ पर काफ़ी अजदहाम होता है, हजूम सा होता है, ऐसे में भी लोग रुक कर यहाँ पर जलेबी खाते हैं क्योंकि यहाँ की जलेबी बहुत जायकेदार है, टेस्टी है, खास है। देखिए आप जलेबी के साथ उसकी बनावट उसकी शक्ल और फनकाराना अंदाज में बड़ी कढ़ाई है और डालडा इसमें डालडा की बिल्कुल वापर मकदार में है, और इसमें तो नाजरीन आपने देखी ये कदीम जलेबी की दुकान और दूसरी दुकानों को और फर्स्ट ओल्ड जलेबी शॉप को, तो नाजरीन ये सब बताने की कोशिश सही की हमने एजे चैनल की तरफ से, हम आपसे इल्तमास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो लोग पहली बार एजे चैनल देख रहे हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ बेल यानी घंटी के बटन को दबाएँ ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।